हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। हमारा जो लेक्चर है वो कंटिन्यूएशन है फ्रूट एंड जूस प्रोसेसिंग का। इसके पार्ट वन में बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ चीज़ें आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। फ्रूट टाइप्स फॉर प्रोसेसिंग, जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने फ्रूट टाइप्स के बारे में पढ़े थे। आज हम उन फ्रूट्स के टाइप को पढ़ेंगे जिनकी प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के लिए जो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला आता है पोम फ्रूट्स। पोम फ्रूट्स इंक्लूड द एप्पल, पियर, मेडलर एंड क्विंस। ये कुछ फ्रूट्स हैं जो कि पोम फ्रूट्स की कैटेगरीज में आते हैं। The two latter fruits are commercially of little importance। ये जो दो लास्ट के फ्रूट्स हैं ये कमर्शियल स्केल पे इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, बट आर ऑकेजनली सीन इन स्पेशलिटी आउटलेट्स। लेकिन इनको स्पेशलिटी आउटलेट्स में देखा जाता है, ऑकेजनली देखा जाता है, कभी कभार मौका पड़ने पे। एप्पल के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत वाइडली यूज़ किया जाने वाला फ्रूट है। इसके साथ ही पियर, एप्पल और पियर इनका अगर बात करें तो जीनस मैलस होता है एप्पल का और जीनस पायरस होता है पियर का। ऑल्दो दीज फ्रूट टाइप्स डिस्प्ले अ लार्ज नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट स्पीसीज, ये जो फ्रूट टाइप्स होते हैं ये बहुत सारे डिस्टिंक्ट स्पीसीज को डिस्प्ले करते हैं विद इन ईच जीनस। हर जीनस में, ज़रूरी नहीं है जीनस मैलनस में सिर्फ एप्पल आए, जीनस मैलनस में इसके अलावा भी बहुत सारे फ्रूट्स आ सकते हैं। द डोमेस्टिक फ्रूट इज सेलेक्टिवली फार्म्ड फ्रॉम एन इवन ग्रेटर नंबर ऑफ कल्टीवर्स। जो डोमेस्टिक फ्रूट्स होते हैं इनका सेलेक्शन, ये सेलेक्टिवली फार्म किए जाते हैं बहुत ज़्यादा ही नंबर ऑफ कल्टीवर्स से। द एप्पल एंड पियर आर ऑफ मेजर कमर्शियल इम्पोर्टेंस। जो एप्पल और पियर हैं कमर्शियल स्केल पे इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियसली बात है, डायरेक्टली कोई भी बात होती है आप एप्पल को प्रेफर करते हैं। जैसे कि कोई बीमार ही होता है तो उसको एप्पल दिया जाता है। इवन एक स्लोगन है, एन एप्पल इन अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो एप्पल की इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं कि इस पे स्लोगन्स तक बने हुए हैं और ये बहुत ही कमर्शियल इम्पोर्टेंस का फ्रूट है। एंड आर ग्रोन इन मोस्ट ऑफ द टेम्परेट रीजन्स, ये टेम्परेट रीजन्स में ग्रो किया जाता है। टेम्परेट रीजन्स क्या होते हैं? टेम्परेट रीजन्स वो रीजन्स होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, ठंडे इलाके होते हैं। इसीलिए आप जानते होंगे, ऑब्वियसली बात है जानते होंगे कि जो एप्पल है कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, एप्पल्स ज़्यादातर कश्मीर में प्रोड्यूस होते हैं, ठंडा इलाका है वहाँ पे एप्पल्स का प्रोडक्शन होता है। टेम्परेट रीजन इनको मिलता है, जैसा टेम्परेचर इनको चाहिए ग्रोथ के लिए वैसा मिलता है। और अगर वर्ल्ड स्केल पर बात करें तो ये तो हमने इंडिया की बात की, वर्ल्ड स्केल पर बात करें तो जहाँ पर जो ठंडे इलाके होते हैं वहीं पे एप्पल और पियर की खेती की जाती है। ऑल्दो लोकल वैराइटीज आर फाउंड टू हैव फॉलोविंग्स इन देयर ओन रीजन, कुछ लोकल वैराइटीज भी इन चीज़ों की हैं, इन फ्रूट्स की, जो कि अपने खुद के रीजन में ग्रो की जा सकती हैं। द वर्ल्ड मार्केट्स आर डोमिनेटेड बाई परहैप्स नो मोर देन 20 डिजर्ट्स एंड कल्नरी वैराइटीज। जो वर्ल्ड मार्केट है इसमें 20 से ज़्यादा वैराइटीज़ नहीं देखी गई हैं और वही 20 वैराइटीज़ डोमिनेट हैं वर्ल्ड मार्केट में। विच हैज़ बीन सेलेक्टिवली ब्रेड टू डिस्प्ले सच कैरेक्टरिस्टिक्स एज अ डिसीज रेजिस्टेंस, विंटर हार्डीनेस, अपीयरेंस एंड टेक्सचर टुगेदर विद हाई एवरेज यील्ड। इनमें डिसीज़ का रेजिस्टेंस देखा जाता है, विंटर हार्डीनेस देखी जाती है, अपीयरेंस इनका कलर है, शेप है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। साथ ही इसका टेक्सचर क्या है और हाई एवरेज यील्ड क्या है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो यील्ड होती है कि आप कितनी लागत में कितना प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, ये डिपेंड करता है।
और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी होता है कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट आता है सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स वैरायटीज आर ग्रोन फॉर कमर्शियल यूज इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में सिट्रस फ्रूट्स का कमर्शियल यूज के लिए ग्रो किया जाता है। ओरिजिनेटिंग इन द सदर्न एंड ईस्टर्न रीजन्स ऑफ एशिया। अगर इसकी ओरिजिन की बात करें तो सदर्न और ईस्टर्न रीजन ऑफ एशिया में ग्रो होता है। चाइना एंड कोचीन एंड मलाय आर्चिपिलागो, ये एक आइलैंड है आर्चिपिलागो आइलैंड, इन जगहों पे इनका जो सिट्रस फ्रूट्स हैं इनकी ज़्यादा ग्रोथ देखी जाती है। इसके अलावा दिस सिट्रॉन भी एक ऐसी जगह जहाँ पे इसका ज़्यादा यूज होता है, जहाँ पे ग्रोथ होती है। इज सैड टू हैव फर्स्ट अराइव्ड इन यूरोप ड्यूरिंग द 3rd century BC। जो फर्स्ट अराइव हुआ ये सिट्रस फ्रूट सबसे पहले कहाँ पे आया, ये यूरोप में देखा गया 3rd century के दौरान। व्हेन अलेक्जेंडर द ग्रेट कॉन्कर्ड वेस्टर्न एशिया, जब वेस्टर्न एशिया की खोज की गई थी अलेक्जेंडर के द्वारा, उस टाइम पे ये फ्रूट यूरोप में आया। कल्टीवेशन ऑफ सिट्रस फ्रूट्स हैज सिंस स्प्रेड वर्ल्ड वाइड। जो सिट्रस फ्रूट्स थे इनका कल्टीवेशन पूरी दुनिया में धीरे धीरे फैल गया। टू ऑल रीजन्स, हर जगह पे अब सिट्रस फ्रूट्स पाए जाते हैं। वेयर द क्लाइमेट इज नॉट टू सीवियर ड्यूरिंग द विंटर मंथ, जहाँ पे कि विंटर मंथ में क्लाइमेट बहुत सीवियर नहीं होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है, दैट इज़ बर्फ नहीं पड़ने लगती है चारों तरफ, उस कंडीशन में सिट्रस फ्रूट्स को कल्टिवेट किया जा सकता है। एंड वेयर सुइटेबल सॉइल कंडीशंस आर अवेलेबल, सिर्फ टेम्परेचर नहीं सॉइल की कंडीशंस भी मैटर करती हैं। जिस जगह पे जो सुइटेबल सॉइल कंडीशंस हैं अगर वो मिल जाती हैं तो वहाँ पे सिट्रस फ्रूट्स इजिली ग्रो कर जाते हैं। इन द एरिया ऑफ सिट्रस जूस प्रोडक्शन, जिस एरिया में सिट्रस जूस का प्रोडक्शन होता है जैसे कि ब्राज़ील, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, इन जगहों पे सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि सिट्रस के जूस का प्रोडक्शन हो रहा है। विद स्पेन एंड इज़राइल बीइंग नोटेबल प्रोड्यूसर्स ऑफ स्पेशलाइज्ड कंसंट्रेट्स। ब्राज़ील, कैलिफोर्निया एंड फ्लोरिडा तो है ही हैं, इनके साथ ही स्पेन और इज़राइल भी नोटेबल प्रोड्यूसर हैं और ये स्पेशलाइज्ड कंसंट्रेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट फ्रूट है ऑरेंज। ऑरेंज एक सिट्रस फ्रूट की ही कैटेगरी है। सिट्रस फ्रूट्स में जैसे कि ऑरेंज है, नींबू है, इस टाइप के फ्रूट्स आते हैं, मौसमी है। तो अभी हम ऑरेंज के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल सिट्रस फ्रूट्स इज द स्वीट ऑरेंज। जो स्वीट ऑरेंज है, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स पाए जाते हैं उनमें से ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको सिट्रस साइनेंसिस भी बोला जाता है, विच इज़ वाइडली ग्रोन इन दोज वर्ल्ड रीजन्स एडॉप्टेड टू सिट्रस। और ये जो स्वीट ऑरेंज है ये उन जगहों पे अच्छे से ग्रो करते हैं जो रीजन्स सिट्रस फ्रूट्स के लिए एडॉप्टेड रीजन्स होते हैं, जहाँ पे सिट्रस फ्रूट्स की ग्रोथ हो सकती है। ईच रीजन यूजली हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक वैराइटीज। हर रीजन में, हालांकि स्वीट ऑरेंज तो एक ही होगा, क्वालिटी तो एक ही है, लेकिन हर जगह हर रीजन के हिसाब से इसमें बहुत सी वैराइटीज देखी जाएंगी। जैसे कि जो ऑरेंज इंडिया में है वो कुछ किसी और वैरायटी का होगा, जो अफ्रीका में है, जो फ्लोरिडा में है वो अलग वैरायटी का होगा। तो रीजन के हिसाब से इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स वेरिएशंस देखे जाते हैं। कॉमन एग्जाम्पल टू बी फाउंड ग्रोइंग इन वेरियस पार्ट्स इंक्लूड नावेल, वैलेंसिया, शमोटी, हैमलिन एंड पर्सन ब्राउन। जो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे ग्रो किया जाता है इसको, इनमें से कुछ एरियाज हैं जहाँ पे ये अच्छे से ग्रो करता है और ग्रोइंग कंडीशन में पाया जाता है।
The mandarin orange, that is citrus reticulate, is a representative of the soft citrus. एक ये category होती है citrus fruits की, ये soft citrus जिसको कि बोलते हैं, ये mandarin orange होता है. Mandarin orange soft citrus होता है, important है, इसको याद रखिएगा आप लोग. और loose skinned orange, ये loose skin orange भी होता है, या फिर easy peeler भी इसको बोला जाता है, क्योंकि जब soft होगा तो skin loose होगी, और लूज होगी तो आप उसको इजिली पील कर पाएंगे, पील दैट इज आप उसको इजिली छील पाएंगे. देयर आर टू प्राइमरी इम्पोर्टेंस टू द फार ईस्ट एंड नाउ पॉपुलर इन अदर पार्ट्स. अब ये जो सॉफ्ट सिट्रस है ये ईस्ट में और कुछ अदर पार्ट्स में बहुत इम्पोर्टेंस का फ्रूट हो गया है, इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोप. यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोप में भी इसको काफ़ी बड़े स्केल पे ग्रो किया जा रहा है और यूज़ किया जा रहा है. अ थर्ड डिस्टिंक्टिव वैरायटी ऑफ ऑरेंज इज द बिटर ऑरेंज. अभी पहले आपने देखा स्वीट ऑरेंज, फिर उसके बाद में देखा सॉफ्ट सिट्रस, अब आते हैं बिटर ऑरेंज पे. बिटर ऑरेंज को सिट्रस ऑरेंटियम कहा जाता है एंड चीफली रिप्रेजेंटेड बाय द सेविल ऑरेंज. सेविल ऑरेंज बिटर ऑरेंज का एक वैरायटी है विच इज़ कमर्शियली ग्रोन इन सदर्न यूरोप. सदर्न यूरोप में इसको ग्रो किया जाता है मेनली फॉर प्रोडक्ट्स सच एज मार्मेलेड. ये एक टाइप का प्रोडक्ट है जिसका कि यूरोप में काफ़ी बड़े स्केल पे यूज़ होता है और उसके लिए बिटर ऑरेंजेस का प्रोडक्शन किया जाता है. अगला फ्रूट है द लेमन. लेमन को सिट्रस लेमन भी बोला जाता है. द कैरेक्टरिस्टिक ओवल शेप लेमन दैट इज नींबू ओवल शेप का होता है. येलो फ्रूट्स येलो कलर का होता है. अपार्ट फ्रॉम दियर कलनरी यूजेस आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ जूस एंड फ्लेवरिंग फॉर द सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री. इसको जूस के लिए तो यूज़ किया ही जाता है, जूस के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है. इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री में भी लेमन का बहुत बड़े स्केल पे यूज़ किया जाता है. सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री में ये लेमन एज अ फ्लेवरिंग एजेंट काम करता है. और आपने देखा होगा लेमन फ्लेवर की बहुत सारी ड्रिंक्स आती हैं, ये इसी लेमन की फ्लेवर की वजह से ही होती हैं. नेक्स्ट है द ग्रेप फ्रूट दैट इज सिट्रस पैराडिसी. अ लार्ज राउंड सिट्रस फ्रूट विद अ थिक येलो स्किन. ये एक बहुत आपने शायद देखा होगा ग्रेप फ्रूट जो होता है ये लेमन की तरह ही होता है लेकिन इसकी स्किन बहुत मोटी होती है और उसके अंदर बड़े बड़े से फॉर्म में ये लेमन मौजूद होता है. एंड समवट बिटर पल्प और इसका जो पल्प होता है बिटर होता है. एंड ग्रेप फ्रूट इज जनरली एक्सेप्टेड टू बी अ हाइब्रिड बिटवीन पोमेलियो एंड द ऑरेंज. ये जो ग्रेप फ्रूट है ये पोमेलियो और ऑरेंज के बीच में क्रॉस से एक हाइब्रिड बना है, उसको हाइब्रिड एक्सेप्ट किया जाता है ग्रेप फ्रूट को. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू द वेस्ट इंडीज ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी. 17वीं शताब्दी में ये वेस्ट इंडीज में इंट्रोड्यूस किया गया था बाई कैप्टन शेडॉक के द्वारा. एंड दस इन द रीजन इट इज समटाइम रिफर्ड टू एज शेडॉक. इसलिए इसको शेडॉक भी बोला जाता है वेस्ट इंडीज में. टुडे द कमर्शियली इम्पॉर्टेंट ग्रेप फ्रूट इज ग्रोन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में इस ग्रेप फ्रूट का प्रोडक्शन आज के तारीख में किया जा रहा है. द लाइम दैट इज सिट्रस ऑरेंटिफोलिया. रिलेटिव टू द अदर सिट्रस फ्रूट्स लाइम्स आर स्मॉल. जो जैसे कि अभी हमने अदर सिट्रस फ्रूट्स देखे, ये जो लाइम्स होते हैं ये बहुत छोटे से होते हैं. राउंड फ्रूट अभी तक ये आपने ओवल शेप के देखे थे, ये राउंड होते हैं, गोल गोल से छोटे छोटे से होते हैं.
एंड ग्रीन और ग्रीनिश येलो इन कलर, या तो ग्रीन होते हैं या हल्के से ग्रीनिश येलो कलर के होते हैं, एंड नॉट मोर देन 8 to 10 सेंटीमीटर इन डायमीटर। इनके डायमीटर की बात करें तो 8 से 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होता है, विद अ शार्प फ्रेश एंड करेक्टरिस्टिक फ्लेवर, और बहुत ही शार्प और एकदम फ्रेश फ्लेवर होता है, और वो फ्लेवर इनका करेक्टरिस्टिक फ्लेवर होता है। जनरल कमेंट्स ऑन फ्रूट जूस प्रोसेसिंग, फ्रूट जूस प्रोसेसिंग पे कुछ कमेंट्स दिए गए हैं। बिकॉज ऑफ दियर नेचर शेप साइज, जो उनका नेचर होता है, जो शेप होता है, साइज होता है, उसके बेस पे हार्वेस्टिंग करेक्टरिस्टिक ये भी इंक्लूड किया जाता है। द वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रूट मे रिक्वायर स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, जो अलग अलग तरीके के, बहुत तरीके के फ्रूट्स हैं, ये अलग अलग ट्रीटमेंट की इनको ज़रूरत पड़ जा सकती है प्रोसेसिंग के टाइम। इन ऑल इंस्टेंसेस हाउएवर द ऑपरेशन इज सीन टू इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ स्टेजेस, प्रोसेसिंग के दौरान जो ऑपरेशन किया जाता है, जो ऑपरेशन हो रहे होते, प्रोसेसिंग हो रही होती है, उसमें बहुत सारी स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं। इफ रिक्वायर्ड द जूस इज ट्रीटेड विद एंजाइम्स, जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ती है जूस को एंजाइम्स से भी ट्रीट किया जाता है, जैसे कि पैक्टोलेजेस हैं, सेल्युलेजेस हैं, एज अ प्री रिक्विजिट टू क्लेरिफिकेशन, ताकि जूस का क्लेरिफिकेशन किया जा सके। टू बी फॉलोड बाई अ सूटेबल फिल्ट्रेशन स्टेज, और ये सूटेबल फिल्ट्रेशन स्टेज से फॉलो किया जाता है बिफोर कंसनट्रेशन एंड इवेंचुअल पैकेजिंग और स्टोरेज। इट शुड बी नोटेड दैट स्टोन फ्रूट्स बिफोर बीइंग प्रोसेस्ड फॉर जूस सेपरेशन, जो स्टोन फ्रूट्स होते हैं, जब उनको जूस सेपरेशन के लिए प्रोसेस किया जाता है, उससे पहले मस्ट फर्स्टली बी सेपरेटेड फ्रॉम दियर स्टोन्स, उनको पहले उनके स्टोन्स से सेपरेट कर देना चाहिए, या फिर जो पिट्स हैं उनसे सेपरेट कर देना चाहिए। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द ईज ऑफ हैंडलिंग एंड द अवॉइडेंस ऑफ अनवांटेड नोट्स इन द फिनिश्ड प्रोडक्ट, ताकि उनकी हैंडलिंग को इजीली एक्सेस किया जा सके और अनवांटेड चीज़ों को फिनिश्ड प्रोडक्ट में अवॉइड किया जा सके। अब आता है प्रोसेसिंग ऑफ फ्लैशी फ्रूट्स। देयर आर सेवरल स्टाइल्स ऑफ सेपरेटर अवेलेबल फॉर बोथ बैच एंड कंटिन्यूअस प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन और कंटिन्यूअस प्रोडक्शन दोनों को ही लिए तरह तरह के बहुत अलग अलग स्टाइल के सेपरेटर्स अवेलेबल हैं। अ फ्यू ऑफ दीज आर रिफर्ड इन द फॉलोइंग, उनमें से कुछ को हम पढ़ने वाले हैं, जिनमें से सबसे पहला है पैक प्रेस। दिस इज बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल रस्टिक और चीज प्रेस, ये ट्रेडिशनल रस्टिक या चीज प्रेस पे बेस्ड होता है, एंड वाइडली यूज इन द साइडर इंडस्ट्री, साइडर इंडस्ट्री में इसका वाइडली यूज किया जाता है। The design comprises a set of frames for containing the fruits. इसका डिज़ाइन इस तरीके से होता है कि बहुत सारे सेट बने होते हैं, फ्रेम्स का सेट होता है जिनमें कि फ्रूट्स को रखा जा सकता है। These are loaded in stages. स्टेजेस में इनको लोड किया जाता है by placing a loose wavy cloth. एक लूज वेवी क्लॉथ को रखा जाता है ओवर ईच रेक्टेंगुलर फ्रेम, रेक्टेंगुलर फ्रेम होता है, इसके ऊपर वेवी क्लॉथ को रखा जाता है, एंड एडिंग एन अप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ द फ्रूट मास, और इस पे अप्रोप्रिएट क्वांटिटी फ्रूट्स की रख दी जाती है। फ्रॉम अ होपर फीड अबव द असेंबली, और जो असेंबली होती है इसके ऊपर होपर फीड के द्वारा रखा जाता है। द मास इज देन स्मूथेंड, इसको स्मूथ किया जाता है और ट्रॉवल ओवर द फ्रेम बाई द ऑपरेटर, ऑपरेटर के द्वारा इसको ट्रॉवल किया जाता है, स्मूथन किया जाता है। हु देन फोल्ड्स द क्लॉथ अक्रॉस द कवर ओवर, उसके बाद में इस क्लॉथ को जहाँ पे फ्रूट्स प्रेजेंट है उनके ऊपर पूरा ढक दिया जाता है, कवर किया जाता है, क्रिएटिंग अ फॉर्म ऑफ सैंडविच, और ये एक सैंडविच के फॉर्म में बन जाता है कि भाई अगर ऊपर से भी क्लॉथ है, नीचे से भी क्लॉथ है, बीच में फ्रूट्स हैं, तो कुछ सैंडविच जैसा बनता है।
The pack press is ideally suited for a relatively small production output. Small production output के लिए ये suitable होता है pack press. And for specialized fruit varieties, और बहुत specialized fruit varieties के लिए इसका use किया जाता है. But for large scale production, बहुत कम fruits हैं जो special हैं, उनके लिए ही large scale production किया जाता है. बाकी pack press का use सिर्फ और सिर्फ small production के लिए किया जाता है. Fully mechanized systems are necessary. ये ज़रूरी है कि fully mechanized system का use किया जाए. दूसरा है the horizontal rotatory press. Horizontal rotatory press का यहाँ पे diagram दिखाया गया है. आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से चीज़ें इसमें लगी हुई हैं, किस तरीके से बना हुआ है system. The press can be programmed to operate self-optimizing in strict sequence. ये जो horizontal rotatory press है, इसको operate करने के लिए program किया जा सकता है. ये self-optimizing होती है बहुत ही strict sequence में, self-optimization करती है with pressing period appropriate to the fruit in process. जिस fruit की processing हो रही है उसका pressing period कितना होना चाहिए उस पर depend करके ये self-optimization कर लेती है और उसके बाद में ही प्रोसेसिंग को आगे बढ़ाती है. माश इज पम्प्ड इनटू द प्रेस टू पार्शियली फिल द सिलेंडर स्पेस. एक सिलेंड्रिकल स्पेस होता है जिसमें कि मास को पंप कर दिया जाता है ताकि ये पार्शियली फिल कर ले उसको. The piston then moves forward under hydraulic pressure. अब जो piston होता है वो hydraulic pressure की वजह से आगे की तरफ बढ़ता है, move forward, and express the juice by consequently forcing it through the filter sleeves. और उसके बाद में जो juice होता है, juice को express करता है इसको filter sleeves से force करने के बाद में. filter sleeves होती हैं जहाँ से कि इसको प्रेस किया जाता है ताकि जो जूस है वो बाहर की तरफ एक्सप्रेस हो जाए. एंड अलोंग द चैनल्स इन द रबर लाइन, जो रबर लाइन होती है उसमें जो चैनल्स होते हैं उसके अलोंग इसको भेज दिया जाता है. टू बी फेड थ्रू आउटलेट्स इन द स्पेशली डिजाइंड प्लेट्स फॉर कलेक्शन इन अ जूस टैंक, ताकि जो आउटलेट्स हैं इनके द्वारा इसको बाहर को भेज दिया जाए, फेड कर दिया जाए. जो स्पेशली डिज़ाइंड प्लेट्स होती हैं इसके जूस के कलेक्शन के लिए, तो इस प्लेट में आके ये जूस यहाँ पे आउटलेट के द्वारा आ जाता है और इसमें फेड कर लिया जाता है. द पिस्टन देन विड्रॉज रिपीटेडली. अब ये जो पिस्टन होता है ये बाहर जाता है, पीछे आता है, ये लगातार इस तरीके से रिपीटेड मैनर में यही करता रहता है. वाइल फर्दर मास चार्जेस आर रिसीव्ड, जो फर्दर मास चार्जेस हैं ये इसको रिसीव किया जाता है. एंड द प्रोसेस रिपीट, और इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट किया जाता है. ड्यूरिंग द प्रेसिंग ऑपरेशन, जो प्रेसिंग ऑपरेशन चल रहा है, द एंड प्लेट ऑफ द यूनिट रोटेट्स, जो यूनिट की एंड प्लेट है उसको रोटेट किया जाता है. प्रोसेसिंग ऑपरेशन के दौरान एंड प्लेट रोटेट होती है विद कंसीक्वेंट मेशिंग ऑफ द फिल्टर ड्रेन्स, ताकि जो फिल्टर ड्रेन्स हैं उनकी मेशिंग हो सके. सो दैट एट द एंड ऑफ द प्रोसेसिंग साइकिल द ड्रेन्स आर लूजली मेस्ड टुगेदर विद इन द प्रेस केक और फ्रूट पोमेस. अब एंड प्लेट पे इसकी प्रेसिंग ऑपरेशन में रोटेशन होता रहता है, इससे जो फिल्टर है, फिल्टर ड्रेन्स को एक साथ में इकट्ठा कर लिया जाता है और एक साथ में लूजली मेश कर दिया जाता है. और लूजली मेस्ड होंगे अगर एक साथ में, तो वो एक प्रेस केक में जब एक साथ में होंगे तो एक ऐसी चीज़ बना लेंगे, एक ऐसा मास बना लेंगे जिसको कि ड्रेन करना इजी हो जाएगा. एज द पिस्टन मूव्स बैक इन कंजक्शन विद इनकमिंग मास, जो पिस्टन होता है जैसे ही पीछे की तरफ आता है इनकमिंग मास की वजह से रिवर्स रोटेशन आकर, इसका रिवर्स रोटेशन हो जाता है, ये दूसरी तरफ को घूम जाता है. डिस्टैंगलिंग द लाइंस एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिंग द पोमेस अमंग द फ्रेश चार्ज ऑफ मास,
ये जो कोमैस है इसको रिडिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ये जो रिवर्स रोटेशन होता है, और इसको डिसटैंगल कर देता है, जो भी फ्रेश चार्ज है, फ्रेश मास आया है, उसके बीच में रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है रिवर्स रोटेशन के द्वारा। एट द एंड ऑफ अ कंप्लीट प्रेसिंग सीक्वेंस, अब जब ये प्रेसिंग सीक्वेंस कंप्लीट हो जाता है, इसके एंड में द पोमेस रेजिड्यू इज डिस्चार्ज, अब ये जो पोमेस रेजिड्यू है इसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है बाय रोटेटिंग द होल प्रेस बॉडी, पूरी जो प्रेस बॉडी है इस पूरी ही प्रेस बॉडी को रोटेट कर दिया जाता है ताकि जो पोमेस है, पोमेस रेजिड्यू है, ये डिस्चार्ज हो जाए। विद द पिस्टन फुल्ली रिट्रैक्टेड, और यहाँ पे पिस्टन जो है वो पूरी तरीके से रिट्रैक्ट हो जाता है। एंड मूविंग द सिलेंडर फ्लैंक्स अवे फ्रॉम द इंड प्लेट, और जो सिलेंडर फ्लैंक्स होते हैं इनको इंड प्लेट से दूर भेज दिया जाता है। मूविंग द सिलेंडर फ्लैंक्स अवे फ्रॉम द इंड प्लेट, ऐसा क्यों? टू क्रिएट एंड ओपनिंग, ताकि एक ओपनिंग को बनाया जा सके, एक होल बनाया जा सके, थ्रू विच द ड्राई पोमेस इज रिलीज फॉर इट्स कलेक्शन, ताकि जो ड्राई पोमेस है यहाँ से इसको रिलीज कर लिया जाए, और रिलीज करके एक प्रॉपर जगह पे इसका सही से कलेक्शन हो जाए। इसके लिए एंड प्लेट में ही एक ओपनिंग को क्रिएट किया जाता है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो करिए ITLS Academy को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप एंड लिंक्डइन। सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल ITLS Academy को, और हाँ, बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। गूगल प्ले स्टोर से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप ITLS Academy को ईजिली एक्सेस कर पाएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक दिस वीडियो, शेयर उनके साथ में करिए जिनको की ज़रूरत है, अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल ITLS Academy को। इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरी और एनी डाउट, देन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट ऑन आवर हेल्पलाइन नंबर। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद ITLS Academy, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।